तो फोर्स की इंट्रोडक्शन में न्यूटन के लॉस से स्टार्ट है। आपने न्यूटन के लॉस किए भी हुए हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। जब तक उसके ऊपर क्या ना लगाई जाए फोर्स, ना तो वो रेस्ट से मोशन में आएगी या मोशन से रेस्ट पे आएगी। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ से एक डेफिनेशन आती है जिसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया। क्या है इनर्शिया? इनर्शिया इन एबिलिटी है किसी भी बॉडी की कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज नहीं कर सकता। कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है, मोशन में है तो मोशन में है, जब तक उसके ऊपर फोर्स न लगाई जाए तो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो एनर्शिया तीन टाइप का है, एनर्शिया ऑफ रेस्ट, एनर्शिया ऑफ मोशन, एनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एनर्शिया ऑफ रेस्ट ये बताता है कि इनेबिलिटी है किसी भी बॉडी की, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही पड़ी रहेगी, जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगाई जाए वो मोशन में नहीं आएगी। और इनर्शिया ऑफ मोशन ये बताता है कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, उसके ऊपर फोर्स ना लगाई जाए तो वो रेस्ट पे नहीं आएगी। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये बताता है कि दुनिया में कोई बॉडी अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। अगर मान लो आप स्पेस के अंदर भी किसी पत्थर को फेंक दे, वो पत्थर सीधा जाता जाएगा, मोड़ने फोर्स लगानी पड़ेगी तब वो मुड़ेगा, नहीं तो अपने आप कभी नहीं मुड़ेगा वो। ठीक, तो अगर आपको क्या करना है, अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है किसी भी बॉडी की या ऑब्जेक्ट की तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, बिना फोर्स के कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। ठीक है यहाँ तक? इवन अगर मैं कार में बैठा हूँ, मान लो बस में खड़ा हूँ और आप मुझे मान लो इस तरफ गिरना चाहते हैं, इस तरफ गिरना चाहते हैं बिना मुझे पुश किए, तो आप बस या कार की को क्या करेंगे, राउंड अबाउट के बाद बहुत तेज़ घुमा देंगे, तो आप इस तरफ घुमाएंगे मैं उधर गिरूंगा, तो आप कहीं ना कहीं मेरे ऊपर, ये इनर्शिया का काम है, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर फोर्सेस लग रही हैं और मैं आउटवर्ड गिर रहा हूँ, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। अब ये चैप्टर के अंदर सबसे पहले लीनियर मोमेंटम, ये भी फर्स्ट लॉ का पार्ट है। लीनियर मोमेंटम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, एंड क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर तो लीनियर मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर, तो पी इज अ वेक्टर, वी इज अ वेक्टर, जिस डायरेक्शन में वी उस डायरेक्शन में पी। नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ। आपने शायद न्यूटन का सेकेंड लॉ सुना होगा, क्या कैसे आपने पढ़ा हुआ, ऐसे एफ इज इक्वल टू क्या डेफिनेशन,
तो देखो न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करेगा आपने कैसे सीखा है, एफ इज इक्वल टू मास इन टू एस, ऐसे सीखा है। क्योंकि अब हमने कैलकुलस किया हुआ है तो हम कैलकुलस के हिसाब से डिफाइन करेंगे कि लेट अस सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी यू है और आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से वेलोसिटी बढ़ गई और वेलोसिटी कितनी हो गई, वी हो गई, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम यू, फाइनल कितना है, एम वी। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट आपने जो फोर्स लगाई दिस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन में कैसे लिखते थे, डी पी बाई डी टी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? और कॉन्स्टेंट आएगा, जितना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कम टाइम में ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी। तो एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, पी क्या चीज़ है, मास इन टू वेलोसिटी, तो मास बाहर आ गया डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी क्या है, ए, तो एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए। तो समझ में आया, आपको सिखाया जाता है एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन एक्चुअल रूल क्या है, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ओके, तो अब जिन्होंने कैलकुलस किया उनको समझ में आ रहा है कि एफ इज डी पी बाई डी टी में एफ इज इंस्टेंटेनियस फोर्स। अब फोर्स चेंज भी हो सकती है, कल को ज्यादा कल को कम भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं एवरेज फोर्स की बात करूं तो एवरेज फोर्स को कैसे लिखा जाता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो यहां पर करेक्शन करना प्लीज, डी टी की जगह यहां पर क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। क्लियर है? तो एवरेज फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और डेल्टा पी इज क्या है, पी टू माइनस पी वन, और डेल्टा टी क्या है, टी टू माइनस टी वन। तो जिन्होंने कैलकुलस किया उनको समझ में आ रहा है इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या डिफरेंस है, राइट? अब न्यूटन का सेकेंड लॉ लगेगा कैसे? न्यूटन के सेकेंड लॉ में अगर ये मास 10 kg है और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई 10 न्यूटन और किसी ने ऑपोजिट फोर्स लगाई 2 न्यूटन, तो ये बॉडी कहाँ मूव करेगी, हायर फोर्स की तरफ, मीन्स इस तरफ। और नेट फोर्स क्या होगी, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स क्या करेंगे, माइनस, तो 10 माइनस 2 8। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन में फोर्स स्टैंड फॉर नेट फोर्स, तो नेट फोर्स में 8 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पॉइंट क्लियर है? तो आपने सारी फोर्सेज को एडजस्ट करना है, एक को नहीं करना, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, बड़ी में से छोटी को माइनस करना है और नेट फोर्स आएगी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट थर्ड लॉ सबको पता है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। वैसे एक्शन और रिएक्शन होता क्या है, ये एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है भी बता दो। एक्शन क्या है, ये एक्शन है, अच्छा फोर्स, एक्शन भी फोर्स है, रिएक्शन भी फोर्स है। तो अगर मैंने दीवार को 10 न्यूटन फोर्स लगाई तो दीवार ने मेरे हाथ पे 10 न्यूटन, तो 10 ही एक्शन है और 10 न्यूटन रिएक्शन है। तो एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं है, न्यूटन में फोर्सेज ही हैं। ये भी क्लियर है? अब ये जो स्टार्ट है पूरा कॉन्सेप्ट वो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल से स्टार्ट है, इसको एक बार डिस्कस करते हैं।